यह तीनों सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले मल्टीमीटर हैं। इसकी वजह इनकी कम कीमत है। इस वीडियो में मैं आपको ये तीनों जो डिजिटल मल्टीमीटर है इनके बीच के सभी अंतर को एक एक करके बताऊंगा। यहाँ मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को टेस्ट करके दिखाऊंगा। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मल्टीमीटर बेस्ट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इन तीनों मल्टीमीटर्स के स्पेशल फीचर के बारे में बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि इसमें किस तरह से बैटरी को चेंज करते हैं। इस वीडियो के 13 पार्ट हैं। हर पार्ट को ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1, इस भाग में हम लोग देखेंगे कि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर हैं इसमें प्रोब कैसे लगाते हैं। तीनों मल्टीमीटर में कॉमन ही है कि इसमें प्रोब लगाने के लिए 3 होल दिए हुए हैं। जनरली जो है बीच वाला होल जो है राइट साइड को अगर छोड़ दें तो कॉमन के लिए रहता है, ब्लैक के लिए रहता है। या आप ये देखें कि पीछे चित्र में जैसा लगा हुआ है ब्लैक वाला प्रोब, सेम ब्लैक वाला प्रोब वैसे ही रहेगा। रेड वाले प्रोब को आपको बदलना पड़ता है। तो जैसे एनिमेशन के द्वारा दिखा रहा है कि रेड वाले प्रोब को जिस तरह से एरो निशान से दिखा रहा है कि कहाँ पर टेस्टिंग के लिए किस जगह आप रेड प्रोब को लगाएंगे यहाँ पर। वैसे जनरली जो है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ यह है कि जनरली जो है 10 एम्पियर के टेस्ट के लिए, बाकी जो येलो कलर के 2 मीटर हैं उसमें 10 एम्पियर की ही टेस्ट के लिए हम लोग रेड प्रोब को राइट साइड में या लास्ट वाले मल्टीमीटर के ऊपर साइड में लगाते हैं। बाकी जो लगा हुआ है अभी जिस टाइप का रेड प्रोब लगे हुए हैं वो जो है सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, ऐसा रेड प्रोब सबसे ज़्यादा लगाते हैं। क्योंकि इसमें आप एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, कंटिन्यूटी, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, सब प्रकार की टेस्टिंग आप जनरली जैसे अभी चित्र के अनुसार लगा हुआ है वैसे लगाएंगे तो कर सकते हैं आप। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा दिखा रहा हूँ कि प्रोब को कैसे हम लोग को निकाल के हम लोग लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और इस तरह से हम लोग प्रोब को लगा सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट 1। अब इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीमीटर के द्वारा, इन तीनों मल्टीमीटर के द्वारा किस प्रकार से एम्पियर चेक करते हैं। जो क्लैंप मीटर है उसमें जो है ऊपर के क्लैंप से एम्पियर चेक किया जाता है, और ये जो आपको हरा कलर का ब्लिंक करता हुआ एरिया दिख रहा है इसी एरिया पे आपको डायल को ले जाना है। अब जो आपको रेड कलर का जो ब्लिंक करता हुआ एरिया दिखेगा, सर्कल दिखेगा, ये जो है क्लैंप मीटर में ये बताने के लिए है कि इसी स्थान से आपको एसी एम्पियर चेक करना है। और जो बाकी जो दोनों मल्टीमीटर है उसमें ये जो रेड कलर का सर्कल चमक रहा है ये बताने के लिए कि इसी जगह पर आपको प्रोब को लगाना है। अब जो है एम्पियर टेस्टिंग के लिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो 2 पीले कलर के डिजिटल मल्टीमीटर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब डीसी एम्पियर चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग जो है 10 एम्पियर पे ले जाएंगे, और जो है कोई एक पावर सप्लाई के लिए उस जो भी हम लोग जिस डिवाइस का या जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम लोग एम्पियर चेक करना चाहते हैं उसके अनुसार हम लोग उसको पावर देने के लिए हम लोग किसी भी प्रकार का पावर सोर्स का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पावर बैंक का यूज़ कर रहा हूँ ये जो 5 वोल्ट का मोटर के लिए। और जैसे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर वीडियो में जैसा दिख रहा है उसी तरह से आप इसको सप्लाई दीजिए, कनेक्ट करिए उसके। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे तो एम्पियर दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्लैंप मीटर से हम लोग एम्पियर चेक करें, यहाँ पर जब मैं सिंगल वायर पे कर रहा हूँ तो ये एम्पियर दिखा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि लोड जो है चालू स्थिति में है। यहाँ पर आपको लोड का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं उसको म्यूट कर दिया हूँ। लोड चालू स्थिति में है। जब मैं सिंगल वायर पे रखता हूँ तो उसका वो जो है एम्पियर दिखाता है। देखिए यहाँ पर सिंगल पे किया ये एम्पियर दिखाया, लेकिन जब मैं डबल पे करूँगा तो एम्पियर नहीं दिखाएगा। वैसी तरह से ऊपर वाले ग्राउंड पे करूँगा तो एम्पियर नहीं दिखाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। पार्ट 2, अब हम लोग देखते हैं पार्ट 3। यहाँ पर पार्ट 3 में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो तीनों मल्टीमीटर हैं इनके द्वारा जो है एसी वोल्टेज किस प्रकार से चेक करते हैं। तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपको डायल को ये जो ब्लिंक करता हुआ ग्रीन कलर का एरिया है इसमें आपको ले जाना है। हम लोग यहाँ पर बीच वाले जो मल्टीमीटर है उसमें अधिकतम 600 वोल्ट तक एसी करंट चेक कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो दोनों मल्टीमीटर है उसमें 750 वोल्ट तक का चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा दिखाता हूँ
कि कैसे हम लोग एसी वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले डायल को उस जगह पर ले जाता हूँ, अधिकतम वोल्टेज पर ले जाऊँगा, क्योंकि 220 वोल्ट का यहाँ पर इसमें सॉकेट में करंट है, तो वहाँ पर जो वोल्टेज है तो 220 वोल्ट के लिए हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, सबको जो अधिकतम है उस रेंज पर रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये मल्टीमीटर कितना वैल्यू दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर 247 250 के आसपास का वोल्टेज दिखा रहा है एसी वोल्टेज। ऐसे हम लोग सॉकेट पे जैसे हम लोग दोनों प्रॉप को लगाएंगे तो ये जो है वोल्टेज दिखाएगा। अब मैं बीच वाले पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको 19-20 का अंतर देखने को मिलेगा तीनों मल्टीमीटर में। अब जैसे आप इसको लगाएंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा 247-48 दिखाते हैं, 250-52 दिखा रहा है, ये थोड़ा सा क्लैंप मीटर जो है कम दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। आप चित्र देख के समझ सकते हैं क्या अंतर आ रहा है तीनों में, एसी वोल्टेज में सेम एक ही जगह पे हम लोग यूज़ किए हैं। तो इस तरह से हम लोग एसी वोल्टेज चेक करते हैं। ये था पार्ट 3। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 4 में। इस पार्ट में हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। ये जो है इसके लिए क्लैंप मीटर में केवल एक ही, जैसे एसी के लिए डीसी के लिए क्लैंप मीटर में केवल एक ही दिया रहता है, लेकिन जो बाकी जो दोनों मल्टीमीटर है इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन है डीसी वोल्टेज के लिए। हम लोग यहाँ पर क्लैंप मीटर में और लास्ट वाले जो मीटर है इसमें 1000 वोल्टेज तक डीसी चेक कर सकते हैं, लेकिन बीच वाले में अधिकतम जो है 600 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। ये मैं 9 वोल्ट का बैटरी लेता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ। देखिए ये जो है 7 वोल्ट दिखा रहा है, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कम दिखा रहा है, मतलब क्लैंप मीटर ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है। इससे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट ये जो बीच वाला देगा। फिर मैं प्रॉप को यहाँ पर 20 वोल्टेज पर मैं ले गया, 20, आप इसको जितना जितना वोल्ट चेक करना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पे रखिएगा इसके डायल को। तो जैसे मैं इसको 20 पे रखा हूँ तो इस तरह से ये जो है 8 दशमलव कुछ दिखा रहा है। तो इसी तरह से इसमें तीसरे वाले में देखते हैं, ये भी लगभग सही दिखाएगा। तो क्लैंप मीटर से ज़्यादा क्लियरिटी जो है बाकी इन दोनों मल्टीमीटर पे आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं डायल को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो क्लियरिटी है वो कम होते जाएगा। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाते जाऊँगा डायल का तो क्लियरिटी जो है कम होते जाएगा। ये था पार्ट 4। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 5। इस भाग में हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, ओम्स जिसको बोलते हैं, ओम्स में जिसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि रजिस्टर की वैल्यू कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर जो हरा कलर का ब्लिंक करता हुआ एरिया है, इसी एरिया पे आपको डायल को ले जाना है। तो क्लैंप मीटर में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, जबकि बाकी दोनों में हम लोग के पास करीब 5 ऑप्शन है वो चेक करने के लिए। क्लैंप मीटर में हम लोग अधिकतम 20K तक का ही रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं, जबकि बाकी जो दोनों हैं उसमें जो है 2 मेगा ओम्स तक की हम लोग रजिस्टर वैल्यू चेक कर सकते हैं। उसी को हम लोग 2000 किलो ओम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हरा कलर का जो ब्लिंक करता हुआ एरिया है, इस एरिया पे आपको डायल को ले जाना है अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है। और जितना ज़्यादा आपको रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है उतना ज़्यादा आप उसको डायल को क्या करेंगे, आगे पीछे लगा ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं तीनों मल्टीमीटर में 470 ओम्स का जो मेरे पास रेजिस्टेंस है इसको चेक करके दिखाता हूँ। ये जो है तीनों मल्टीमीटर में पॉसिबल है, क्योंकि बाकी दोनों में तो लगभग आप सभी रजिस्टर को चेक कर सकते हैं जितने भी जो भी आपके पास रजिस्टर है, लेकिन क्लैंप मीटर में आप केवल 20K से नीचे के जो रजिस्टर है उसी को आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसा डायल को अलग अलग एरिया में चेक करके आप रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये जो है इसी तरह से रजिस्टर का काम जो है पोटेंशियोमीटर भी करता है, ये भी एक तरह से रजिस्टर ही है, रेजिस्टेंस का ही काम करता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ये जो है एक 10K का एक पोटेंशियोमीटर है, मतलब आपका इसमें वैल्यू चेंज होता है रजिस्टर की वैल्यू। वैसे एक और वैल्यू चेंज होने वाला रजिस्टर है LDR, ये लाइट से आपका रजिस्टर का काम करता है। तो इससे भी मैं आपको यहाँ पर चेक करके इसको भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये वैल्यू दिखाता है। तो ये था अपना पार्ट 5। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 6 में। इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टिंग को देखेंगे। कंटिन्यूटी टेस्टिंग इन तीनों मल्टीमीटर में पॉसिबल है। यहाँ पर जो हरे कलर का ब्लिंक एरिया है उस एरिया पे आपको डायल को ले जाना है और उसमें आप ले जाके कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्टिंग का खास बात ये रहता है कि इस जगह पे
यहाँ पर न केवल मल्टीमीटर पे एक वैल्यू दिखाएगा, साथ ही इस यहाँ पर बजर भी लगा रहता है। तो जैसे किसी कोई भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो या वायर वगैरह हो, वो सही तरीके से जुड़ा है कि नहीं, या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट शॉर्ट हुआ है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्टिंग को में डायल को ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं तीनों डायल को कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे ले जाके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो है इसको जब मैं स्टार्ट करूँगा तो एक बीप की आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूज को चेक कर रहा हूँ, तो फ्यूज़ सही होगा तो एक तो वैल्यू जीरो पे चेंज हो जाएगा, साथ ही एक बीप का आवाज़ भी आएगा। अगर आपको बीप का आवाज़ सुनाई दिया, इसका मतलब यह है कि ये जो फ्यूज है ये ख़राब नहीं हुआ है। तीनों में आपको बीप का आवाज़ सुनाई देगा, तीनों में सेम प्रोसेस है, बस कंटिन्यूटी के लिए ले जाने का जगह जो है अलग है। जैसे ये स्विच है, इस तरह से मैं स्विच को भी वैसे चेक करूँगा, जैसे स्विच ऑन होगा मतलब पॉइंट स्विच के जुड़ेंगे तो वैसे जो है ये बीप की आवाज़ करेगा। इससे आप पता कर सकते हैं आवाज़ से कि जो है सही तरीके से काम कर रहा है। इसे देखिए, वायर को मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, वायर का अगर बीच से कटा नहीं है तो यहाँ पर बीप का आवाज़ आएगा, वैल्यू जो है 1 से 0 की ओर मूव कर देगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि ये जो है शॉर्ट है या ये वायर जो है सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को शॉर्ट का चेक कर सकते हैं, जैसे स्विच को कर रहा हूँ। अब हम लोग आ गए पार्ट 7 में। पार्ट में हम लोग ट्रांजिस्टर टेस्टिंग देखेंगे। जनरली जो है क्लैंप मीटर में आपको ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन कुछ ट्रांजिस्टर को ओम्स के द्वारा चेक किया जा सकता है। तो आप अगर ओम्स में चेक करना चाहते हैं तो 20 के तक अगर वो रेंज में आ जाता है तो कुछ ट्रांजिस्टर को आप क्लैंप मीटर में चेक कर सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों जो मल्टीमीटर है उसमें जो है ये जो हरे कलर का ब्लिंक एरिया है उसमें आप डायल को ला के, जिसको HEF बोलते हैं, उसमें आप डायल को ला के हम लोग किसी भी ट्रांजिस्टर को ओम्स के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और HEF में भी लाग कर सकते हैं। देखिए, जैसे पहले मैं ओम्स के द्वारा चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर जब हम लोग ओम्स में ला के या जैसे मेगा ओम्स, किलो ओम्स में किसी में भी हम लोग डायल को रख के जब हम लोग ट्रांजिस्टर को टेस्ट करते हैं, तो अगर आप बेस पे आप उसके रेड या ब्लैक प्रोब को रखेंगे और बाकी दोनों कलेक्टर एमिटर पे रखेंगे तो कोई वैल्यू अगर दिखाता है तो ट्रांजिस्टर सही है। यहाँ पर देखिए, एक ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमिटर होता है। जैसे ये जो है मैं 547 ट्रांजिस्टर का पिक्चर दिखा रहा हूँ, फोटो दिख रहा है, इसमें जो है बीच वाला बेस है और लेफ्ट साइड वाला कलेक्टर है और राइट साइड वाला एमिटर है। तो इसी तरह से मैं ओम्स के द्वारा चेक किया, ऐसी जो है HEF में ले जाके अगर मैं इसमें ले जाता हूँ और ये जो आपका यहाँ पर छेद दिया है, जैसे दोनों मल्टीमीटर में दिया है लगाने के लिए, इसमें ले जाके आप ऐसा लगाएंगे तो कुछ अगर वैल्यू दिखाया, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर सही है। तो ये था पार्ट 7। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 8 में। इस भाग में हम लोग देखेंगे कि इंसुलेशन टेस्टिंग कैसे किया जाता है। जनरली इंसुलेशन टेस्टिंग जो है केवल क्लैंप मीटर में ही आप कर सकते हैं, ये बहुत रेयर केस में यूज होता है, इसको बड़े स्तर पे ही किया जाता है। ये जो है वायर के लीकेज की टेस्टिंग के लिए रहता है। यहाँ पर जो है जो हरे कलर का क्लैंप मीटर में ब्लिंक करता हुआ एरिया है, वहाँ पर आपको डायल को ले जाना है आपको इंस्टॉलेशन टेस्टिंग के लिए। दूसरा जो आपका ये जो रेड कलर का प्रोब है, इसको जो है यहाँ से हटा के ये जो EXT लिखा हुआ है इसमें लगाना है। इसके बाद आप किसी भी वायर का लीकेज वगैरह को चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चेक कर रहा हूँ लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट रिजल्ट जो है ये केवल बड़े बड़े स्तर पर दिखाता है। तो ये था अपना इंसुलेशन टेस्टिंग जो क्लैंप मीटर में ही पॉसिबल है। अब आ जाते हैं पार्ट 9 में। इस भाग में हम लोग स्क्वायर वेव टेस्टिंग का देखेंगे। इस टेस्टिंग के बारे में बहुत कम जो है, मैं बहुत सारा सर्च किया तो मेरे को बहुत कम जानकारी मिल पाया। मेरे को लगता है बहुत कम उपयोग भी आता है। ये जो है DC स्क्वायर वेव दिखाने के लिए, स्क्वायर वेव मतलब AC करंट का जो वेव होता है वैसे DC करंट का वेव के लिए रहता है। ये जो है केवल लास्ट वाला जो छोटा मल्टीमीटर है इसी में दिया हुआ है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। लोग देखते हैं भाग 9। इस पार्ट में हम लोग इन तीनों मल्टीमीटर से कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो हरा कलर का ब्लिंक एरिया है, ब्लिंक करता हुआ एरिया है, उसी एरिया पे आपको डायल को ले जाना है अगर आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। इसको ओम्स को आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इस कैपेसिटर को जब आप टेस्ट करेंगे और ये जो प्रोब है इसको बदल बदल के लगाएंगे तो इसके जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू मल्टीमीटर पे है, वो घटते या बढ़ते हुए दिखना चाहिए। मतलब अगर आपका वैल्यू घटते बढ़ते हुए दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि ये कैपेसिटर सही है। इसमें आप ओम्स की वैल्यू को कम ज़्यादा भी करके आप इसको चेक कर सकते हैं। मतलब आप कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, किसी भी एक स्थिति में इसका वैल्यू जो है घटते बढ़ते हुए दिखना
रखना चाहिए, और एक जगह जाके ये रुक जाएगा, उसके बाद ये चेंज होना बंद हो जाएगा, तो फिर आपको प्रोब को बदलिए, फिर वो घटते बढ़ते हुए दिखेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये कैपेसिटर सही है। अगर आपका वैल्यू जीरो पे जाके रुक गया या कंटिन्यूटी पे रखे हैं तो एक बीम की आवाज़ आई तो मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है, और अगर आपका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, घट बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये जो है ओपन है। इसी तरह से और भी कैपेसिटर को केवल शॉर्ट और ओपन को चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को छोड़ के दूसरे कैपेसिटर का केवल शॉर्ट ओपन चेक कर सकते हैं। अब डायोड टेस्टिंग, डायोड टेस्टिंग के लिए ये जो मल्टीमीटर है, क्लैंप वाले मल्टीमीटर है, इसमें तो हम लोग 20 के पे ले जाते हैं, 20 के एम्स पे, लेकिन जो बाकी जो दोनों मल्टीमीटर है इसमें एक डायोड का सिंबल दिया रहता है। ये जो हरा कलर का जो ब्लिंक एरिया है वहाँ पर डायोड का सिंबल दिया है, उसी पे आप ले जाइए। डायोड में जो है एक पॉइंट जो है कैथोड होता है और एक पॉइंट जो है एनोड होता है। तो यहाँ पर जो है आप कैथोड और एनोड को जब आप इसमें मल्टीमीटर के रेड और ब्लैक प्रोब को रखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ वैल्यू दिखाएगा, जब आप उसको पलट के लगाएंगे, पलट के वो करेंगे तो बिल्कुल वैल्यू नहीं दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि डायोड जो है सही है। अगर डायोड शॉर्ट हुआ तो वो जीरो दिखाएगा या फिर बीप की आवाज़ कर सकता है, और अगर ओपन है तो कोई भी वैल्यू दोनों स्थिति में नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मल्टीमीटर से, तीनों मल्टीमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायोड टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैं यहाँ पर क्लैंप मल्टीमीटर से बाकी दोनों से दिखाया, इसी तरह से आप क्लैंप मल्टीमीटर से मैं डायोड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इसमें कैथोड एनोड को आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगला है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इन मल्टीमीटर्स में किस तरह से बटन्स दिए रहते हैं। जो सबसे छोटा जो मल्टीमीटर है उसमें कोई बटन्स नहीं रहता, लेकिन जो बाकी दोनों मल्टीमीटर है उसमें डाटा होल्ड के लिए बटन दिया रहता है, और जो बीच वाले मल्टीमीटर है उसमें एक एक्स्ट्रा बटन दिया रहता है जो लाइटिंग के लिए रहता है, डिस्प्ले को लाइट, डिस्प्ले लाइटिंग के लिए, मतलब आप डिस्प्ले को अंधेरे में भी देख सकते हैं उस बटन को क्लिक करके। अब मैं सबसे पहले क्लैंप मीटर में दिखाता हूँ कि ये डाटा कैसे होल्ड करता है। जैसे आप यहाँ पर कोई भी कुछ भी चेक करिए, अगर आप चेक करते समय जो वैल्यू दिखा रहा है उसके बाद आप जैसे ये डाटा होल्ड बटन को उसी स्थिति में रखे रखे होल्ड बटन को दबा देते हैं तो जो वैल्यू दिख रहा है वो वैल्यू जो है इस डिस्प्ले पे स्थिर हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर आप कितना भी डायल को घुमाइए या इसको आपस में शार्ट करिए या कुछ भी करिए, किसी और को टेस्ट करिए, वो उसी वैल्यू पर रुका रहेगा। कई बार ये गलती से डायल बटन दब जाता है, डाटा होल्ड बटन दब जाता है और उसके बाद आप जीरो पे दब जाता है, उसके बाद आप इसको घुमाते रहते हैं, हमको लगता है मल्टीमीटर में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है वो डाटा होल्ड बटन को एक बार आप दबा के देख लीजिएगा, जैसे डाटा होल्ड बटन को दोबारा दबाएंगे जो वैल्यू वो रखा हुआ है उसको छोड़ देगा। ऐसे ये जो बीच वाला जो मल्टीमीटर है इसमें देखिए, इसमें एक बटन दिया है पुश बटन, जिसको आप जैसे आप दबाएंगे अंदर पुश बटन अंदर चला जाएगा और डाटा जो है होल्ड हो जाएगा, और जैसे उस पुश बटन को दोबारा दबाएंगे बटन ऊपर आ जाएगा और जो डाटा होल्ड किया है उसको छोड़ देगा। तो इस तरह से हम लोग इस मल्टीमीटर में भी हम लोग डाटा होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैं एक डायोड को लिया, इसका एक वैल्यू दिखाया, इस वैल्यू को दिखाते दिखाते मैं जैसे डाटा होल्ड बटन को दबा दूंगा ये जो डाटा होल्ड हो जाएगा, इसके बाद मैं जितना भी कुछ करूंगा ये डाटा जो है सेम मल्टीमीटर पे बना रहेगा, वो चेंज होगा ही नहीं। कुछ भी आप कर लीजिए, जैसे इसको शार्ट कर लीजिए, इधर उधर चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और जैसे आप उस बटन को दबाएंगे होल्ड खत्म हो जाएगा। ये देखिए, अब तीसरा जो बटन है ये लाइटिंग के लिए है, इस तरह से आप दबा देंगे तो डिस्प्ले की लाइट जलेगी। लोग आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट भाग में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो तीनों मल्टीमीटर है इसमें कैसे हम लोग बैटरी लगाते हैं। तो ये जो रेड कलर का ब्लिंक करता हुआ एरिया है, यहीं पर स्क्रू लगे हुए हैं, इन्हीं स्क्रू को खोल के आप बैटरी चेंज करेंगे। तो बाकी जो दोनों मल्टीमीटर हैं इसमें जो है आपको ये दो पूरे मल्टीमीटर खोलना पड़ेगा, दो दो स्क्रू खोलना पड़ेगा, और जो क्लैंप मीटर है उसमें केवल एक ही स्क्रू खोलना है बैटरी को चेंज करने के लिए। इसमें मैं यहाँ पर मल्टीमीटर के जितने भी बारे में बता रहा हूँ, तो जिस मल्टीमीटर के बारे में बता रहा हूँ उसका मॉडल नंबर आपको ऊपर में एक अलग से वाइट कलर में लिखा हुआ दिख जाएगा, उससे आप समझ सकते हैं कि मैं किस मल्टीमीटर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें केवल सिंगल स्क्रू खोलना पड़ता है क्लैंप मीटर में। तो इस तरह से मैं इसको वापस क्या करता हूँ, स्क्रू को बैटरी चेंज करने के बाद टाइट कर देता हूँ। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।